नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हम लोग भारतीय संविधान को कवर कर रहे हैं और आप सभी लोगों ने पहली क्लास को देख भी लिया होगा। उस क्लास में हम लोगों ने संविधान का एक ओवरव्यू लिया हुआ है। हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की हुई है कि आखिर आने वाली क्लासों में हम लोग भारतीय संविधान के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के विकास का एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे। और वैसे आप लोगों को बता दूं, जो आज आप लोग संविधान देखते हैं ना, ये कोई एकाएक बनकर तैयार नहीं हो गया, कोई जादू की छड़ी नहीं आई कि एकाएक आप देखिए कि इसे बनाकर तैयार कर दिया गया और आपके सामने रख दिया गया। संविधान को बनने में एक लंबा वक्त लगा हुआ है और उसी लंबे वक्त के बारे में आज हमें बात करनी है। अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, फिर चाहे स्टेट पीसीएस हो, सिविल सर्विस हो, एमपीपीएससी हो, बिहार पीसीएस, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश पीसीएस, या और भी आप देखते हैं राज्य में जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं या सेंट्रल में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उनमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, आप लोग आप लोगों को मालूम भी चल जाएगा। तो आप लोग अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वैसे भी भारत के अगर आप नागरिक हैं तो इसके बारे में आपको बहुत दिलचस्पी कुछ बातें समझ में आएगी। और मुझे लगता है कि संविधान के बारे में भारत के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मालूम होना चाहिए संविधान के बारे में। और मैंने ये जिम्मेदारी आप लोगों पर भी छोड़ दी है कि सभी तक संविधान पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोग जिस भी सोशल साइट पर हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, ट्विटर है, सभी जगह एक तरह से इस वीडियो को आप लोग पहुंचाइए। अगर देश के व्यक्तियों को हम लोग थोड़ा बहुत भी जगाने में सफल रहे, जागरूक करने में सफल रहे, तो एक तरह से हम सोच ले हम लोग सोच सकते हैं कि अपना लक्ष्य काफी हद तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आप सभी जानते हैं कि देखिए, आज हम लोग जिस ऊंचाई पर खड़े हुए हैं, भारत देश जिस ऊंचाई पर खड़ा हुआ है, ये एकाएक नहीं। देखिए, कोई प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री आया, उसने भारत की तस्वीर बदल के रख दी। हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन्हीं सबका योगदान रहा है कि आज हम लोग यहां तक पहुंचे हुए। अगर आप लोग कहें कि देखिए 1947 में एकाएक एक आंदोलन हुआ और देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिल गई, देश आजाद हो गया, तो मुझे लगता है ये कहना गलत है। क्योंकि उससे पहले आप लोग जाइए, छोटे छोटे आंदोलन होते रहे हमारे देश के। आप देखिए कि कई नागरिक उसमें शहीद होते रहे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ले लीजिए, उसके पहले और आप लोग चले जाइए, 1857 की क्रांति के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं छोटा छोटा योगदान सबका रहा सभी आंदोलन को। और आप देखिए 1947 में जाकर हमें फाइनल आजादी मिल जाती है। तो संविधान में भी आप देखिए कुछ कुछ फैक्टर चलते रहे और आप सोचिए कि 1950 में पूरी तरह से लागू हो जाता है। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, एक ओवरव्यू एक तरह से ले लेंगे। इससे क्या होगा कि अगर आपकी मुख्य परीक्षा में कोई क्वेश्चन लिखने के लिए आ रहा है तो मुझे लगता है कि आप लोग आंसर उसका बेहतर लिख पाएंगे। बस आप लोग साथ में बने रहिए। और देखिए, संविधान की जितनी भी क्लासें ली जाएंगी उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है भारत के संविधान के नाम से, उसी में सभी क्लासें आपको मिल जाएगी। चलिए, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं सभी पॉइंटों को कि आखिर ये पॉइंट कहे क्या रहे हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में सिर्फ व्यापार करने आए थे, और इस बात को आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा। जब शुरुआत में अंग्रेज भारत में आते हैं तो उनका सिर्फ उद्देश्य था व्यापार करना, और ऐसा माना जाता है कि भारत से वो मिर्च, काली मिर्च, इस तरह के सामान खरीदते थे, कपड़े, और वो जाकर यूरोप के बाजारों में बेचते थे, और उन्हें आप देखिए कई गुना फायदा होता था। और फायदे के उद्देश्य से ही आप देखिए कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और कुछ समय तक यहां रहती है। फिर आप देखेंगे कि वो अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने लगती है, और इसमें आप देखेंगे फिर प्लासी का युद्ध होता है, 1757 की बात है।
उसके बाद आप देखेंगे बक्सर का युद्ध होता है, 1764 की बात है। और जैसे ही अंग्रेज इस दोनों युद्धों को जीत जाते हैं तो बंगाल क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित कर दिया जाता है, या बंगाल क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो जाता है। और यहां से आप देखिए कि उन्हें लगता है कि व्यापार करने से अच्छा है कि किसी देश पर आप शासन करिए, तब और फायदा कमाया जा सकता है। और उन्होंने भारत में वो परिस्थिति पाई हुई है। अंग्रेज अपने मुंह से कहते थे कि हम तो भारत केवल व्यापार करने आए थे, और यहीं ऐसी परिस्थिति हमारे सामने खड़ी कि हमने राज करना शुरू कर दिया। तो इन दो युद्धों को शुरू याद रखिएगा, और इसी प्रक्रिया में अर्थात बंगाल पर शासन करने और अपने शासन क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा समय समय पर कई कानून पारित किए गए, और इन्हीं कानूनों से भारतीय संविधान का विकास प्रारंभ होता है। यहीं से उसकी नींव रखनी शुरू हो जाती है। और इसमें अगर आप देखें तो भारतीय संविधान के विकास में जिन राजनीतिक संस्थाओं को स्थापित किया गया उनका विकास ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों के लंबे शासनकाल के दौरान हुआ। और अंग्रेजों ने भारत में 1947 तक राज किया, और उनके शासनकाल के में समय समय पर भारतीय शासन व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए गए। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है, यानी कि भारत को आजादी मिल जाती है। उसके बाद आप देखें भारतीय गणतंत्र के संविधान का निर्माण होता है, भारतीय गणतंत्र का, और संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को पारित कर देता है। और आप देखिए कि 26 नवंबर हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ये तीन डेटें काफी महत्वपूर्ण है। और आप देखिए आप लोग कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 15 अगस्त को हम लोग आजादी यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि कुछ प्रावधानों के साथ 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान लागू हो चुका था। 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र के रूप में मनाते हैं गणतंत्र दिवस, तो 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हो चुका था। और कई संस्थाएं कई पद का सृजन 26 जनवरी 1950 को हो चुका था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 26 नवंबर को आपको बता चुका हूं कि भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है, या भारतीय संविधान का पिता भी कह देते हैं, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और यही वनडे एग्जाम हो या फिर आपका प्रीलिम्स हो, स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विस, इसी तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो इन्हें पॉइंटों को मुझे लगता है कि आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग कंपनी के शासन की बात कर लेते हैं कि जब हमारे ऊपर कंपनी का शासन रहा भारत पर, तब संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद, एक तरह से आप सोचिए कि आपके एक्ट आए हुए हैं, और उन्हीं एक्ट की नींव के कारण आप देखिए कि संविधान का विकास होता चला गया। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आप लोगों ने एक राजलेख सुना होगा, 1600 का राजलेख, सन 1600 का राजलेख ईस्वी, ठीक है, 1600 ईस्वी, जानते हैं आप लोग कि नहीं। और इसके तहत कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया, और यह राजलेख महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को जारी किया था, 2016 में कहां आ रहे हैं। और आप देखिए कि यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, आप इससे मान लीजिए कि आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक लाइन में आपसे कह देगा, सन 1600 ईस्वी का जो राजलेख था इनकी इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी, तीन चार आपको ऑप्शन दे देगा, कथन दे देगा, और आपसे सही पूछ लेगा तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके तहत कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया, और यह राजलेख महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जारी किया था। और इसमें आप देखेंगे कंपनी के भारत शासन की समस्त शक्तियां एक गवर्नर निदेशक, एक उप गवर्नर उपनिदेशक और उसकी 24 सदस्यीय परिषद को सौंप दी गई थी, और कंपनी के सुचारू प्रबंधन हेतु नियमों और तथा अध्यादेश को बनाने का अधिकार दिया गया था। तो इन तीन विशेषताओं को खासकर आप लोग याद रखिएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इसमें कुल पूंजी 30,133 पाउंड या पाउंड थी,
और इसकी कुल 217 भागीदार थे इसमें। और कंपनी के शासन को व्यक्ति व्यवस्थित करने हेतु कलकत्ता बंबई मद्रास को प्रेसिडेंसी नगर बना दिया गया और इसकी इसका शासन प्रेसिडेंसी और उसकी परिषद करती थी। और इसमें देखेंगे आप लोग तो महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी और आंग्ल भारतीय विधि सहायताओं के निर्माण और विकास की नींव 1600 ईस्वी के चार्टर से प्रारंभ होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य सूरत से आरंभ किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर हुआ करता था। तो भारत में देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत आप कह सकते हैं कि अकबर के समय से होती है। और एक और बात बता देता हूं आपको, देखिए कई बार क्या होता है कि स्टेट पीसीएस में कई बार मुख्य परीक्षा में आपसे क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं एक्ट के बारे में। अब 1600 ईस्वी का राजलेख है आपका, इसके बारे में अगर क्वेश्चंस कभी विशेषताएं लिखने की आए इसके लिए तो इन सभी को आप लोग वहां डाल सकते हैं, ठीक है। और आप देखते हैं कई स्टेट में आपका लिखित परीक्षा में 3 नंबर 6 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें पूछे जा सकते हैं। और इसी में आप देखें तो इसमें एक और ए पॉइंट जोड़ लीजिए, 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज इंडीज की स्थापना की थी और कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार ही था, ये भी आप लोगों को साफ होना चाहिए। जो भी अंग्रेज इतिहासकार हैं वो भी यही कहते हैं कि अंग्रेज कंपनी जो गई हुई थी भारत वो प्रारंभ एक तरह से उद्देश्य उसका यही था कि व्यापार करें, अपना फायदा कमाएं और अपना काम चलाएं, लेकिन यहाँ जो परिस्थिति खड़ी हुई उसी के हिसाब से वो आगे शासन करने लगी, रूल करने लगी हमारे ऊपर। एक आपका 1726 ईस्वी का राजलेख है, इसे भी पढ़ लीजिए। और इस राजलेख द्वारा कोलकाता मुंबई, आज जो आप लोग कलकत्ता कहते हैं ना उसे कोलकाता कहा जाता था, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई और इससे पहले यह शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड में निहित थी। तो इसमें आप देखिए 1726 के राजलेख में एक सुधार हुआ कि जो पहले शक्ति विधि बनाने की शक्ति, नियम कानून बनाने की शक्ति इंग्लैंड में जो निदेशक बोर्ड था उसके पास थी, अब क्या हुआ कि कोलकाता मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी के जो राज्यपाल थे और जो उनकी परिषद थी वो विधि बनाने की नियम बनाने का काम करने लगी 1726 के राजलेख के अंतर्गत, ठीक है। इसकी ये विशेषता याद रखिएगा। फिर सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है आपका 1773 का, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। और ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इसमें क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पहला कदम उठाया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ही बन जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित यानी चलाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अगर इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, किस तरह से इसे व्यापार किया जाए, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पहला कदम कब उठाया गया था, किस एक्ट के तहत, तो यह 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। तो यह बात आप लोगों को साफ याद रखना होगा, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ और भी बातें हैं। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। तो 1773 के एक्ट में एक और काम होता है, जो बंगाल के गवर्नर था इसे अब बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाने लगा। तो ये भी आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार पूछ लेता है। और आपको बता दूं कि वो वॉरेन हेस्टिंग्स भारत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। फिर आप देखेंगे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई और 4 सदस्यों को कोई अलग विधान परिषद नहीं थी और इसमें बंबई मद्रास के राज्यपाल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ये शक्तिशाली हो गया और जो बंबई और मद्रास के राज्यपाल थे या गवर्नर थे ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए, उनके अंडर में आ गए, ठीक है। एक काम आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ये भी हुआ।
उसके बाद आप देखेंगे 1773 के एक्ट के अंतर्गत एक और काम होता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। फोर्ट विलियम में होती है, कलकत्ता में। कब? 1774 में। एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिए, एलिजा इम्पे, एलिजा इम्फी भी कह देते हैं, इम्पे भी कह देते हैं, ठीक है। तो इस इनका नाम आपको याद रखना। इसमें अन्य तीन न्यायाधीश हुआ करते थे, इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चंबूरी, लॉर्ड लेंस्टर, ठीक है। इन तीन को याद रखना है और मुख्य न्यायाधीश को भी आप लोगों को याद रखना होगा। इसमें 1773 के एक्ट में और कुछ काम होते हैं, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। मान लीजिए आप लोगों ने कोई कंपनी बनाई हुई है और उस कंपनी को आप लोग एक तरह से अपने पड़ोसी पाकिस्तान को ले लीजिए, उदाहरण के लिए आप लेंगे तो मुझे लगता है बेहतर आप लोग समझ पाएंगे। आप उस कंपनी को पाकिस्तान में व्यापार करने के उद्देश्य से भेजते हैं, ठीक है। वो कंपनी के जो कर्मचारी हैं वहां जाकर वो व्यापार करने लगे, निजी व्यापार करने लगे, या फिर आप देखिए उपहार लेने लगे, रिश्वत लेने लगे, तो आप सोचिए कंपनी का क्या हाल होगा, व्यापार का क्या हाल होगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 1773 के एक्ट में एक सुधार होता है। इसमें जो निजी व्यापार करने का कर्मचारी थे जो कंपनी के, और भारतीय लोगों से जो उपहार की, इनाम की बात होती थी या रिश्वत लेने की बात होती थी, इस पर रोक लगा दी गई, प्रतिबंध कर दिया गया, ठीक है। और इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण सशक्त हो गया। और आप कंपनी को भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो ये विशेषता हो गई आपकी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। अब हम चलते हैं 1784 के का जो पीट्स इंडिया एक्ट था, तो इसे भी आप लोग रखिए, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या क्या काम होता है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी, इन्हें भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में। पहला काम यही होता है कि जो कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्य थे इन्हें अलग अलग कर दिया गया, इसके पहले एक ही थे। दूसरा काम होता है राजनीतिक मामलों को संभालने के लिए 6 सदस्यों वाला एक नियंत्रक बोर्ड नियुक्त किया गया। समझ रहे हैं आप लोग, राजनीतिक मामलों को संभालने के लिए 6 सदस्यों का एक बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड नियुक्त कर दिया जाता है, और व्यापार के लिए, वाणिज्य मामलों के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अनुमति दी जाती है। तो इन दोनों को आप लोगों को बिल्कुल अलग अलग रखना है, ठीक है। 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में ये दोनों काम आपके होते हैं। फिर आता है आपका 1786 का अधिनियम, और इसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया, और गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई। समझ रहे हैं आप लोग, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे इस तरह की शक्ति दे दी गई कि अगर कोई परिस्थिति बन गई सामने, विशेष परिस्थिति है, तो उस समय जो उसकी परिषद हुआ करती थी, अगर वो किसी भी तरह का निर्णय लेता है और राज्यपाल को लगता है कि ये गलत है, राज्यपाल चाहता है कि इस तरह का निर्णय ले जाना चाहिए, तो राज्यपाल उस तरह के निर्णय को लागू कर सकता है और ले सकता है, और जो उसके परिषद के निर्णय होंगे उसे रद्द कर सकता है, और गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल जाती हैं। ये काम होते हैं 1786 के अधिनियम के अंतर्गत। अब चलते हैं हम लोग 1793 का ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें क्या क्या होता है। देखिए इन्हें बहुत ही साधारण शब्दों में बता रहा हूं, बहुत ही आराम से बात कर रहा हूं हम लोग,
तो आप लोगों को यही खत्म कर देना है, यही अपने दिमाग में एक तरह से बैठा लेना है, और कभी भी अगर आपके सामने क्वेश्चंस आता है तो मुझे लगता है उनका आंसर आप लोग फटाफट दे पाए। तो 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में क्या क्या काम होते हैं? तो सबसे पहले इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था कर दी गई। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि जो अंग्रेजों का नियंत्रण बोर्ड था, जो राजनीतिक मामले देख रहा था, उसके जो सदस्य थे और कर्मचारी थे उसमें, उनका जो वेतन अभी तक अंग्रेज यूरोप से मिलता था, अभी समझ रहे हैं आप लोग, उन्हें खुद देना पड़ता था, उसे भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था कर दी गई। और यही छोटे छोटे फैक्ट आपको बता दूं कि भारतीयों में रोष उत्पन्न करते रहे। अब आप ही सोच लीजिए, आपसे ही पूछ लेता हूं, मान लीजिए कि मैंने कोई कंपनी बनाई हुई है और आपके यहां व्यापार करने के लिए एक तरह से उस कंपनी को भेजता हूं, और मैं क्या करूं कि उस कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं या सदस्य हैं उसके, उनका वेतन आपसे पैसे लेने लगे, आपके गांव से वसूलने लगे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों में गुस्सा उत्पन्न तो होगा ही। और यही छोटी छोटी बातें हुई कि जो हमारे आंदोलन होते रहे, क्रांति होती रही, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लोग समझ में आने लगे लोगों को कि कंपनी केवल खून चूसने का काम करती है। 1793 के एक्ट में क्या होता है? और भारतीय सिविल सेवा 21 अप्रैल 1793 को 21 अप्रैल को शुरू होती है, और ICS दिवस राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस की स्थापना 1793 में हुई थी। तो 1793 के जो एक्ट है उसके अंतर्गत एक काम भी होता है, भारतीय सिविल सेवा की आप लोग तैयारी भी करते हैं तो उसकी भी बात होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 1813 का चार्टर अधिनियम, और ऐसे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके अंतर्गत पहली बात तो होती कि कंपनी के अधिकार पद को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया कि कंपनी अब 20 साल और व्यापार करती रहेगी, अपना अधिकार जमाती रहेगी। इसमें दूसरा काम यह होता है कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 सालों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। यहां भी मैं एक कॉमन उदाहरण दे रहा हूं आपको, जिसे आप लोगों को आराम से समझ में आ सके और एक लंबे समय तक आप लोग उसे याद भी रख पाए। मान लीजिए कि देखिए, किसी गांव में, या किसी, मान लीजिए पाकिस्तान को ले लीजिए, हमारा पड़ोसी है और हम लोग कहते रहते हैं कि हम उसके बाप हैं, वो हमारा बेटा है, तो मुझे लगता है कि लंबे समय तक उसे याद भी रख पाओगे आप लोग। मान लीजिए आप लोगों ने एक कंपनी बनाई हुई है, आपने ही एक कंपनी बनाई हुई है, और आप जाते हैं पाकिस्तान में, उसे वो व्यापार करने लगती है, और आपकी ही कंपनी पूरे पाकिस्तान में व्यापार करेगी, इस तरह का आप कोई नियम बना के लाते हैं, कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी वहां, आप एक लंबे समय तक व्यापार करते भी रहते हैं, फिर आप एक चार्टर आता है, 1813 का चार्टर अधिनियम आता है, और आपकी जो कंपनी थी जिसे एकाधिकार था व्यापार के क्षेत्र में, उससे वो एकाधिकार हम लोग छीन लेते हैं। लेकिन जो आपका पड़ोसी है, चाइना में आप व्यापार करते थे या पूर्वी देशों में आप लोग व्यापार करते थे, उसमें चीन के साथ व्यापार को, पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को, ये एकाधिकार एक तरह से 20 सालों के लिए बना रहता है। तो इसे आप लोग साफ याद रखिएगा, 1813 के चार्टर अधिनियम में पूरी तरह से एकाधिकार खत्म नहीं होता है कंपनी का। इसमें तीसरी विशेषता ये, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। अब कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत आके व्यापार कर सकता था कुछ सीमाओं के अधीन, ठीक है, कुछ सीमाएं लगाई गई थी। 1813 के एक्ट में एक और काम होता है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी जाती है।
ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1813 के एक्ट के अंतर्गत एक और काम होता है, भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया कि भारत के जो लोग हैं उनकी शिक्षा पर हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया। एक और काम होता है इसमें, नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित किया गया और उसका विस्तार भी कर दिया जाता है। तो 1813 के एक्ट में ये भी काम होता है। तो 1813 का जो एक्ट है इसमें जो विशेषताएं थी उन्हें हम लोगों ने बहुत ही साधारण शब्दों में एक एक करके पढ़ लिया है। अब चलते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम की तरफ। हम लोग क्या कह रहा है, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अभी तक जो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में आप लोग जिसे जानते थे, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया था, किस चार्टर अधिनियम के अंदर। अगर तो 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ही आप लोग साफ याद रखिएगा, ठीक है। और जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण रहता था इसका। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक था। एक क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था, कौन थे। तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब, ठीक है। 1833 के एक्ट में चार्टर अधिनियम में कुछ और काम होते हैं, उनमें एक काम ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की के व्यापारिक अधिकार पूर्णता समाप्त कर दिए जाते हैं। अगर आपसे पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णता समाप्त कब कर दिया गया था, तो 1833 के एक्ट के अंतर्गत। अब सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय था जो ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसमें एक और काम होता है, मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधि निर्माण की शक्तियों से वंचित कर दिया गया। यानी कि जो मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल थे, जो विधायी निर्माण की शक्तियां थी उसके पास, उनसे उन्हें मुक्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत और भी कुछ काम होते हैं, इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में 34 सदस्य को शामिल कर दिया जाता है। और इसमें एक भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है, यानी कि खत्म करने की बात होती है। और इस अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के विदेशों में रहने वाली किसी भी भारतीय को केवल धर्म, वंश या रंग या फिर जन्म स्थान की इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके लिए वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। अगर आप लोगों ने संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार पढ़े होंगे तो कुछ झलक तो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है 1833 के एक्ट में कहा जा रहा है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1834 में लॉर्ड मैकाली की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। और इसके अगर प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो लॉर्ड मैकाली थे इसके, ये भी आप लोग साफ याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो आंसर उसका दे पाए। फिर आप देखिए आपका 1853 का चार्टर अधिनियम आता है, 1813 के बाद 1833 के बाद 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं, तो इसमें यह अधिनियम मुख्यतः भारतीयों की ओर से कंपनी के शासन की समाप्ति की मांग और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। 1853 का चार्टर अधिनियम की बात कर रहा हूं। और इसी के बाद आप देखिए कंपनी के शासन की समाप्ति नहीं होती है, और 1857 का जो विद्रोह होता है, क्रांति होती है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसमें एक और काम होता है, किसमें, 1853 के चार्टर अधिनियम में ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया।
1853 के चार्टर अधिनियम में कह दिया गया कि ब्रिटिश संसद को किसी भी समय अगर ब्रिटिश संसद चाहे तो कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त कर सकती है, उसके पास अधिकार प्राप्त पहुंच चुका है। 1853 के चार्टर अधिनियम में एक और काम होता है, कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, और गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार भी दे दिया गया, और विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई 1853 के एक्ट में, और निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, ये भी आप लोग याद रखिएगा, और कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। जो आप लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहीं से उसकी शुरुआत होती है 1853 की एक्ट के अंतर्गत ही। और भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग का गठन का प्रावधान भी किया गया 1853 के एक्ट में। तो ये रहा है आपका कंपनी का शासन हमारे ऊपर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1857 में एक आंदोलन होता है, क्रांति होती है, विद्रोह होता है, और उसके बाद आपने देखा है कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे ऊपर ब्रिटिश राजशाही का शासन शुरू हो जाता है। वही कह सकते हैं आप लोग कि वो देखिए इनका भी काम खून चूसना था और इनका काम भी खून चूसना ही है, बस इनका नाम बदल दिया गया एक तरह से आप कह सकते हैं। किसी के हाथ में से चाबी ली और किसी को आपने थमा दी। तो इसमें कौन कौन से एक्ट हैं उन्हें भी आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा, और अब आपके सामने जो भी एक्ट आएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट होते हैं, उनसे कई बार क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत शासन अधिनियम 1858 को देखते हैं। ये आपका 1857 के बाद 1858 में आता है। तो इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का उन्मूलन कर दिया जाता है, यानी कि जो अभी तक आप लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे ना, इसकी समाप्ति कर दी जाती है। और क्या होता है इसमें, भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत एक काम ये होता है कि कंपनी जो अभी तक हमारे ऊपर शासन कर रही थी उसे समाप्त कर दिया जाता है, और ये उत्तरदायित्व किसके पास पहुंच जाती है, जिम्मेदारी ब्रिटिश संसद के पास पहुंच जाती है। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है इसमें 1858 के एक्ट में, अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्ञी की ओर से राज्य सचिव को चलाना था, और जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया जाता है, और अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानून और कार्यवाहियों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। जैसे ही अंग्रेजों को मालूम चला कि 1857 में एक विद्रोह हुआ और हमारा राज बहुत समय तक नहीं चल पाएगा अगर हम लोगों ने कड़े फैसले नहीं लिए, तो अब भारतीयों को इन्होंने शामिल करना शासन में शुरू कर दिया। तो इस बात को भी याद रखिएगा, 1858 के एक्ट में एक और काम होता है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया क्राउन की का प्रतिनिधित्व, और उसे भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो याद रखिए इसका वायसराय कर दिया गया, और इसमें आप देखेंगे भारत मंत्री को वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार और ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का अधिकार भी दिया गया, और कंपनी की सेवा को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया, और गवर्नर जनरल पदनाम को भारत का वायसराय बनाया गया, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो इस बात को भी आप लोग साफ याद रख लीजिए, जो वायसराय अब जैसे आप लोग वायसराय कहने लगे वो उसमें भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, और 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी, और इसे घोषणा में कौन कौन सी बातें थी, सबसे पहले तो कहा गया कि भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा, और भारतीय लोगों के साथ लोक सेवाओं में अपनी शिक्षा योग्यता
तथा विश्वसनीयता के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष भर्ती में भेदभाव नहीं किया जाएगा और भारत के लोगों के भौतिक और नैतिक उन्नति के प्रयास किए जाएंगे। बताया ना कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई कि अगर राम राम कहना मतलब भारत में रहना तो राम राम कहना, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं कि भारतीयों के ऊपर अगर हमें शासन करना है तो भारतीयों को हमें साथ लेना होगा। समझ रहे हैं ये आप समझ रहे हैं? कि मतलब भारतीयों में अब आंगे कोई गलती ना हो, उन्हें गुस्सा ना आए, उनकी गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन बातों को ध्यान देने लगी कौन? इंग्लैंड की संसद। ठीक है, तो 1858 का जो एक्ट था उसमें ये सभी विशेषताएं हैं, उसकी यही घटना रहती है। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। और ये क्या कहता है? इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो गई और सन 1862 में वायसराय लॉर्ड केनिन ने तीन भारतीयों जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। तो आप देखिए भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ने लगी। तो 1861 में कि जो भारत परिषद अधिनियम था उसके अंतर्गत कुछ घटनाएं होती हैं, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। इसके अंतर्गत एक और काम होता है, इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां वापस लौटा दी गई और पहले जो छीन ली गई थी, और बंगाल, उत्तरी पश्चिम प्रांतों, पंजाब को क्रमशः 1862, 1866, 1897 में नई विधान परिषदें प्रदान की गई और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई। अब आप लोग कहेंगे कि अध्यादेश होता क्या है? देखिए मान लीजिए कि कोई कानून आपको लाना है, अभी आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति और आपके राज्यपाल के पास एक ऐसी शक्ति है, अनुच्छेद 123 पढ़ा है आप लोगों ने, अनुच्छेद 1, 2, 3। जब संसद सत्र में नहीं होता है, जैसे राज्यसभा लोकसभा इस सत्र में ना हो, चलना रहे हो, इसकी बैठक ना चल रही हो, और उस समय ऐसी परिस्थिति बने कि राष्ट्रपति साहब को लगेगी कानून की जरूरत है, तो वो अध्यादेश लाते हैं, तो उसी अध्यादेश की बात हो रही है। और आपको बता दूं उसमें अध्यादेश में वही शक्ति वैसी ही शक्ति रहती है जैसी आपके कानून में शक्ति रहती है, उतना ही ताकतवर होता है। बस आगे चल के आप सभी जानते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में उसे पास करवाना होता है। ठीक है, तो इसमें यह भी हुआ 1861 के आपका जो भारत परिषद अधिनियम था। ठीक है, 1861 के में एक काम और होता है, 1865 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने और उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। और इसी तरह 1869 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाली भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और 1873 के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग करने का प्रावधान रखा गया और इसी के अनुसरण में 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है। ये छोटे छोटे से एक्ट हैं, उन्हें आप लोग याद रख सकते हैं। और 1 जनवरी 1784 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था, तो इस डेट को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं शाही उपाधि अधिनियम 1876 आता है और इसमें क्या कहा जाता है, 28 अप्रैल 1876 को एक उद्घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है, भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था इसमें। ठीक है, तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 को आप लोगों को याद रखना होगा। और इसमें औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अंतरिम मान्य किया गया था। और फिर उसके बाद आपका भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है और इसमें क्या क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो यही होता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हो जाती है। अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत अगर आपसे पूछे कोई तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था इसके अंतर्गत हुई थी। इसमें एक काम और होता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया जाता है और इसमें विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की जाती है और बजट पर चर्चा करने और अधिकारियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शक्ति दी जाती है। ये सभी आपके भारतीय पर भारत परिषद अधिनियम 1852 की विशेषताएं हैं, तो इन्हें आप लोग मुझे लगता है याद हो गई होंगी। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है और ये काफी महत्वपूर्ण है।
ये तो आप देखिए कि कई बार आपकी मुख्य परीक्षा में स्टेट पीसीएस में कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेगा। इसकी विशेषताओं को, एक एक विशेषता को आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। आप लोग मूवी देखते हैं ना, उसके हर सीन आप लोगों को याद हो जाता है, तो इसी तरह इस मूवी को भी मूवी ही समझिए आप लोग। तो इस अधिनियम को मार्ली मिंटो सुधार के नाम से आप लोग जानते हैं। तो एक आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि मार्ली मिंटो सुधार के नाम से किस अधिनियम को जानते हैं, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को। या आपसे पूछे कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को का दूसरा नाम क्या था, तो मार्ली मिंटो सुधार। अब आप कहेंगे कि मार्ली मिंटो सुधार इसका नाम क्यों रखा गया, तो उस समय भारत के सचिव थे मार्ले मॉर्ले, और वायसराय थे मिंटो, तो इन्हीं के नाम पर मार्ले मिंटो रख दिया गया। और इसमें एक बात क्या होती है, पहली बात यह होती है केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, और केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी जाती है। भारत परिषद अधिनियम 1909 के एक काम एक होता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधि की शुरुआत होती है, और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनता है, और लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं। यहां से अंग्रेजों ने फूट डालने की हम लोगों में कोशिश करनी शुरू कर दी, कि आप सोचिए कि भारतीयों में खाई बढ़ने लगे। और अगर आपसे पूछता है कि सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। इसमें एक और काम होता है, वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को अनुमति दी गई थी, ठीक है। और परिषदों को किसी भी मामले पर चर्चा करने, बजट पर प्रस्ताव पेश करना और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, और इस अधिनियम को आप सभी जानते हैं मॉन्टक्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। अब आप कहेंगे क्यों कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि मॉन्टक्यू राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। और केंद्रीय विषयों का सीमांकन किया गया, उन्हें प्रांतीय विषयों से अलग कर दिया गया, इसमें यही काम हुआ आपका। और मॉन्टक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भारत में प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि किस एक्ट के अंतर्गत पहली बार भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, तो आपको साफ बता देना है भारत शासन अधिनियम 1919 में, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत। एक बात और आपको बता देता हूं, भारत पहला ऐसा राज्य था जिसने सभी को अधिकार बराबर दिए हुए थे वोट के, समझ रहे हैं। कई देशों में आप देखेंगे बाद में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, कई देशों में ऐसा भी होता था कि जो लोग टैक्स भरते थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार था, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर आप टैक्स देते हैं तब भी आप, टैक्स नहीं देते हैं तब भी आप लोग वोट देने के अधिकार आपके पास रहता है, अगर आप लोग 18 साल के हो जाते हैं। फिर आपका एक और काम होता है, इस अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति प्रारंभ हो जाती है, केंद्र की बात हो रही है, ठीक है। और प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत होती है, और इस प्रणाली के अनुसार प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी विशेषता आपकी 1919 की अधिनियम की है। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका की परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद की प्रति उत्तरदायी नहीं रहती थी, उत्तरदायी, ठीक है। और हस्तांतरित विषयों पर बात करें तो गवर्नर मंत्रियों की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद की प्रति उत्तरदायी रहती थी। और इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, यानी कि अब देखिए भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। इस बात को भारत अंग्रेज भी समझ चुके थे कि हमारी नौटंकी बहुत समय तक चलने वाली नहीं है, तो इसीलिए आपने देख रहा है कि भारतीयों में भी फूट डाली जा रही, भारतीयों को लेकर ही शासन किया जा रहा है, बस फायदा उनका था, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ही सिविल सेवकों की भर्ती के लिए सन 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, तो ये आपके फायदे का है, तो ये आप याद रखिएगा। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों और भारतीय ईसाइयों, अंग्ल भारतीयों
यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन की पद्धति को शुरू कर देता है। ये 1919 की विशेषता है, ठीक है। और इस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। और इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया और जिसका कार्य 10 वर्ष पश्चात जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया करना था। तो ये कहानी है आपकी 1919 के एक्ट की। इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। और आज का जो संविधान आप देखते हैं ना, इसका अगर इसकी परछाई आप लोग कह लीजिए, इस पर परछाई सबसे ज्यादा किसी की पड़ी हुई है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की पड़ी हुई है। और एक अधिनियम यह एक लंबा और विस्तृत अधिनियम था, इसमें 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थी, समझ रहे हो आप। और इस अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की और इसने राज्य और रियासतों को एक इकाई के तौर पर माना, परंतु देशी रियासतों के शामिल होने से मना करने पर संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई। तो पहला काम तो यही हुआ। अगला काम होता है कि इस अधिनियम विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच तीन सूचियों, संघीय सूची इसमें 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय के आधार पर विभाजित कर दिया गया और बाकी अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। 7वीं अनुसूची आप लोगों ने पढ़ी है, अभी अभी वर्तमान संविधान की बात कर रहा हूं, उसमें आप देखते हैं कि जो आपकी तीन सूचियां देखने को मिलेंगी, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और आप सभी जानते हैं कि संघीय सूची है उस पर केंद्र सरकार संघ सरकार कानून बनाती है, जो राज्य सूची होती है उस पर राज्य सरकारें कानून बनाती है, समवर्ती सूची होती है उस पर दोनों कानून बना सकती है। लेकिन अगर राज्य में और केंद्र में टकराव है तो उसमें समय में आप देखिए केंद्र सरकार का कानून प्रभावी रहेगा। और कुछ परिस्थिति ऐसी भी होती है कि राज्य सूची पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, हम जो संसद है वो कानून बना सकती है। जैसे आप सोचिए राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है या कोई राज्य कहें, दो राज्य कहें मिलके, तो तब उस स्थिति में बनाई जा सकती है। 1935 के अधिनियम में एक और काम होता है, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है, राज्यों का एक तरह से आप कहिए, ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाता है। और इस अधिनियम ने महिलाओं, दलितों, जातियों, मजदूर वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को और विस्तार प्रदान किया, ठीक है, और हवा दी उन्होंने, ठीक है, संप्रदाय सांप्रदायिकता को। और 1935 के अधिनियम में एक काम और होता है, इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 में। आप सभी जानते हैं ना, भारतीय रिजर्व बैंक हमारा जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक, उसकी स्थापना की जाती है। और इस अधिनियम के द्वारा बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाता है, जो हमारा पड़ोसी म्यांमार है ना, उसे पहले आप लोग बर्मा के नाम से जानते थे, वो पहले हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, तो उसे भी अलग कर दिया जाता है। फिर आप देखिए छोटे छोटे कुछ प्रस्ताव भी आते हैं, तो इन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी संविधान बनाने में काफी भूमिका रही है इनकी, देश को आजाद कराने में। तो सबसे पहले 1940 का अगस्त प्रस्ताव देखिए आप लोग, आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध होता है इसी समय, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए लॉर्ड लिन लेथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की जरूरत थी, भारत की जरूरत थी अंग्रेजों को, तो वो एक तरह से आप सोचिए कि इन्हें भारतीयों की मदद लेने के लिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे थे। और इसमें क्या कहा गया, अगस्त प्रस्ताव में यह कहा गया कि युद्ध के बाद भारतीयों की एक समिति बनाई जाएगी जो भारतीय संविधान की रूपरेखा निश्चित करेगी। तो अगस्त प्रस्ताव में ये बात कही गई जो 1940 में आया हुआ था।
और एक बात बता देता हूँ आपको, ये अगस्त से पिस्ता हो आपके चाहे इस तरह के और पिस्ता हो, ऐसे कई बार क्वेश्चंस आपकी प्रीलिम्स में आ जाते हैं, समझ रहे हैं आप। और वायसराय ने काउंसिल में कुछ भारतीयों को शामिल करने की भी घोषणा अगस्त प्रस्ताव में कर दी गई थी। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था, नहीं माना था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आप देखिए कि 1942 में आपका किप्स मिशन आता है, और किप्स मिशन ने भारत में ब्रिटिश विभिन्न दलों और जनता के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने के पश्चात एक संविधान निर्मात्री सभा के गठन का सुझाव दिया, जो प्रांतीय विधायिका के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार चुनी जाएगी। जो संविधान सभा की बात हो रही है ना, उसी की बात कर रहा हूं। और नए संविधान को प्रांत या देशी रियासत स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिन्हें यह स्वीकार नहीं होगा वह अलग से संविधान बना सकेंगे। और आपको बता दूं कि भारत को एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अंग्रेजों ने तो कह दिया कि जो भी रियासत चाहे वो अलग देश बना सकती है, वो अलग रह सकती है, अपना संविधान बना सकती है। और इसी में आपने देखा है, जम्मू कश्मीर हो, हैदराबाद हो, मैसूर हो, ये एक तरफा भागने लगे, सभी रियासतें ख्वाब देखने लगी कि हम देश बनेंगे, एक नया देश बनेंगे। और आप ही सोचिए कि अगर 563-564 रियासतें हुआ करती थी, अगर सभी को स्वतंत्र देश बना दिया जाता तो भारत के कितने हिस्से होते आप समझ सकते हैं। आपको अगर जम्मू कश्मीर से आप सोचिए तमिलनाडु तक जाना होता तो आप कहते कई देशों की यात्रा करनी होती आपको। लेकिन आप देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है कि वो गन्ना लेके जाते थे, एक कहावत है, और वो सभी राजाओं को पहले तो प्यार से समझाते थे कि लीजिए गन्ना पहले चूसिए आप। और जब कोई राजा काना मानी करता था तो वो गन्ना बोलते थे कि ये आप मीठे के रूप में खा भी सकते हैं, वैसे खा भी सकते हैं, मतलब डंडे के रूप में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसी कहावतें कई हैं, ठीक है। और इसमें किप्स प्रस्ताव में मिशन प्रस्ताव को सभी दलों ने अस्वीकार कर दिया, और अंततः 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है। फिर उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 1946 का कैबिनेट मिशन आता है, और इसमें क्या क्या होता है इस पर भी हम लोग बात करते हैं। इसमें 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल की 3 सदस्य, इसमें पेंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड किप्स और एबी अलेक्जेंडर को भारत की संवैधानिक समस्या के संविधान के लिए भारत भेजा जाता है। इसे ही आप लोग कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों नाम को भी आप लोग याद रखिएगा। और 16 मई 1946 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कैबिनेट मिशन ने भारत का एक संघ बनाए जाने का सुझाव दिया, जिसमें देसी रियासतें और ब्रिटिश भारतीय प्रांत दोनों सम्मिलित होंगे। और इसमें यह भी कहा गया कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होंगी, और संघ की कार्यकारिणी और तथा विधानमंडल में ब्रिटिश भारत देसी रियासतों के प्रतिनिधि दोनों सम्मिलित होंगे, और एक संविधान सभा का गठन हो जिसमें कुल 379 सदस्य हों, और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाए, ये भी कहा गया था। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, ठीक है। 1947 का जो माउंटबेटन योजना था इसे भी याद रखिएगा। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की, जून 1948 से पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे और सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। और इसमें आप देखेंगे माउंट वेटन योजना को रूप देने के लिए 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंट वेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। और माउंट वेटन योजना में भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान के गठन की घोषणा की गई। जो हमारा पड़ोसी जो हमें परेशान करता रहता है, आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहता है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, वो पहले 1947 तक हमारा ही हिस्सा था।
तो यहां से पाकिस्तान भी अलग होने लगता है। 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, इसे भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें क्या क्या कहा गया? ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया जाता है। 4 जुलाई 1947 को, इस डेट को याद रखिएगा। और जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल जाती है, स्वीकृत कर लिया जाता है। और इस अधिनियम में भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर 15 अगस्त को, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। बधाई हो, हम लोग आजाद हो जाते हैं 15 अगस्त 1947 को। और इस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राज्यों का सृजन हो जाता है। और इस अधिनियम ने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद बनाए गए, और जिसकी नियुक्ति संबंधित राष्ट्र संयुक्त स्वतंत्र राष्ट्र के मंत्रिमंडल के सलाह पर दी जाएगी। यानी कि अब आपका आजाद हो चुके हैं, तो आप ही जो भी हमारे यहाँ का मंत्रिमंडल होगा वही एक तरह से सलाह करेगा और उनकी नियुक्ति करेगा। और इस अधिनियम के अनुसार दोनों राज्यों की संविधान सभाओं को अपने अपने देशों का संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया। और इसमें एक काम ये होगा कि संविधान सभाओं को नए संविधान का निर्माण होने तक अपने अपने राष्ट्रों के विधानमंडल के रूप में कार्य करने की शक्ति भी दी। और इस अधिनियम ने भारत सचिव जो पद था ना, उसे भी समाप्त कर दिया गया था। और इस अधिनियम के अनुसार नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों अधिराज्यों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासित होंगे, ये भी कहा गया। और देशी रियासतों पर 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन को अंत कर दिया गया। उन्हें भारत या पाकिस्तान के साथ मिलने या स्वयं को स्वतंत्र रखने का फैसला रखने की स्वतंत्रता दी गई थी। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें 15 अगस्त को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन ये पूरी आजादी नहीं कह सकते आप लोग, आधी अधूरी आजादी की बात कर रहा हूं मैं। अंग्रेज तो ठीक है, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आप ही देखिए कि इतनी सारी रियासतें हैं, अबे इन्हें एक करके रख पाना, देश को एक करके रख पाना, असली मुसीबत हमारे सामने खड़ी हुई थी। और उसके बाद ये जिम्मेदारी दी जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को, लोह पुरुष साहब को। और बाखूबी आप सभी जानते हैं कि उन्होंने ये काम किया भी। और इसने शाहीवादी से भारत सम्राट शब्द को भी समाप्त कर दिया गया था 1947 के एक्ट में। तो ये हुई है आपकी संविधान की विकास की यात्रा, जो भी रही है, संविधान कंपनी के अंतर्गत हो, यह ब्रिटिश जो भी संसद है उसके अंतर्गत हो। अब संविधान सभा के बारे में या संविधान के बारे में कुछ और फैक्ट हैं, उन्हें भी एक एक करके आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके इतिहास को समाप्त करते हैं। तो संविधान सभा की अगर मांग की बात करें, तो पहली बार 1934 में एम एन रॉय ने भारत के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी। एक क्वेश्चन क्या हो रहता है कि वो पूछ लेता है कई बार वन लाइनर में, अब आपसे पूछ लेगा कि पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा की मांग किसने की थी और कब की थी, तो 1934 में एम एन रॉय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में पहली बार आधिकारिक तौर पर एक संविधान सभा की मांग की थी, तो इसे भी याद रखिए। 1941 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश सरकार ने अंततः सिद्धांतिक रूप से मांग को स्वीकार कर लिया गया था। और किस समय सन 1942 में भारत आया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद डोमिनियन राज्य की स्थिति की पेशकश की, लेकिन गांधी ने क्रिप्स की पेशकश को पोस्ट डिटेक्टिव चेक जिसका बैंक नष्ट होने वाला कहा। यानी कि गांधी जी ने कह दिया कि अब आप वो चेक दे रहे हो मुझे जिसका बैंक एक तरह से नष्ट ही हो चुका है। यानी कि वो कह रहे थे कि अंग्रेज कह रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होगा
हम आपको डोमिनियन राज्य की स्थिति दे देंगे जो हम लोग पहले मांग कर रहे थे 1920 के 30 के बीच में। फिर आप देखें कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और इसने संविधान सभा के लिए एक योजना प्रस्तुत करता है। और संविधान सभा की संरचना की बात करें तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे, इनमें 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से थे, तो ये भी याद रखिएगा। और संविधान सभा की पहली बैठक, आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसके अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा या संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप लोगों ने सुना होगा, ये संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित, स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे, ठीक है, 11 दिसंबर को। और जो आगे चल के आप सभी जानते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। एक उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो इसे याद रखिएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कब? 13 दिसंबर 1946 की बात है। और इसने संविधानिक संरचना के मौलिक और दर्शन को निर्धारित किया था और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कारण तीन बड़े परिवर्तन हुए, कौन कौन से थे? एक तो था संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गई थी और अब संविधान सभा को दो कार्य करने थे, एक तो संविधान निर्माण, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, और एक था आपका प्रांतीय विधानमंडल, और इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर ने की थी, जो आप सभी जानते हैं भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो कहावत है ना कि छोटे छोटे तीर करें गंभीर, ये छोटे छोटे पॉइंट ही आपसे परीक्षाओं में कई बार पूछ लेता है। और मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान क्षेत्र से समृद्ध भारत के लिए संविधान सभा से हट गए थे और अब संविधान सभा में 299 सदस्य बचे थे, जिनमें 229 सदस्य भारतीय प्रांतों में से थे और 70 आपके देसी रियासतों से थे, तो ये भी याद रखिएगा। और 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, आपको बता चुका हूं, और पूरी तरह से लागू होता है आपका 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से अनुच्छेद थे शामिल इसमें लागू होने वाले? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, तो इन्हें भी याद रखिएगा। संविधान सभा की समितियों की भी बात कर लीजिए, इसके अध्यक्ष भी कई बार पूछ लेता है। संघ शक्ति कमेटी या संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल साहब। प्यारूप समिति, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से आपको बता देता हूं, एक कमेटी है, ये समिति है, इसे डायरेक्ट कई बार अध्यक्ष के रूप में पूछ लेता है, क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इन्हें आप लोगों को रट्टा मान लीजिए या किसी भी तरह से याद रखिए अपने दिमाग में। मुझे लगता है कि आप लोग अगर सुनेंगे तो बेहतर याद रख पाएंगे। प्रारूप समिति के बारे में जान लीजिए थोड़ा। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की थी, इसमें 7 सदस्य थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे। और इसके अध्यक्ष में बात करें तो सदस्य में एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे,
सैयद मोहम्मद सादुल्ला, इसके सदस्य डॉक्टर के एम मुंशी भी, एन माधव राव, बी एल मित्तर की जगह थे ये भी सदस्य थे, टी टी कृष्णवाचारी, डी पी खेतान की जगह थे ये भी सदस्य थे इसके, और 21 फरवरी 1948 को भारतीय संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया था, और भारत के संविधान का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था, और पहली बार वाचन हुआ था इसमें। दूसरा वाचन आप देखेंगे 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया, और इसमें एक प्रस्तावना 22 भागों में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां भी थी। और आज भी अगर आप लोग देखें तो गिनती में 22 ही भाग देखने को मिलेंगे, का जोड़ दिए गए, इस तरह से आप लोग कह देते हैं कि भागों की संख्या बढ़ गई या अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई। वैसे आपको 395 ही आर्टिकल देखने को मिलेंगे, लेकिन आप लोग का खा गा को जोड़ लेते हैं ना, इस तरह के जोड़े गए तो इनकी संख्या बढ़ जाती है फिर। हाँ, अनुसूचियां 4 आपकी जोड़ी गई, 12 हो गई अब, ठीक है, 9, 10, 11 जोड़ी गई। तो ये भारतीय संविधान के विकास की एक यात्रा थी, और मुझे लगता है कि आप लोगों को बेहतर समझ में भी आया होगा, और खूब आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी क्लासें रखेंगे। अगर एक क्लास में बड़ी हो जाए तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, हमें पूरी तरह से कवर करना है, किसी भी तरह की क्लासें रहें। चलिए, तो आप लोग एंजॉय करिए, हम लोग नई क्लासों में मिलते रहेंगे, और इन क्लासों को आप लोग आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। और बताइए अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसे भी हम लोग पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है।